दिल्ली के करनाल में कल शनिवार को भाजपा की बैठक से पहले किसानों के विरोध के बाद हुए पुलिस के लाठी चार्ज का मामला गर्माता जा रहा है। और कल भाजपा की बैठक से पहले करनाल के एसडीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिकारी पुलिस कर्मियों से कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी किसान विरोध करे उसका सिर फोड़ दो। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। कहाँ सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। कितने लट मारा सर? कोई डाउट मारोगे? कोई जाएंगे इसको बीच करके? जीते वो खाओ खा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपके? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे है, यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में कुछ समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हमारे अलर्ट लेकर बैठे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, दो दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, आप तो सो के आए हो थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी किचन आ गए हमने 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? यस सर। ठीक है। इसके बाद किसान पर लाठी चार्ज भी हुआ था और लाठी चार्ज में कम से कम 10 लोगों को चोटें आई थी और किसानों पर हुए लाठी चार्ज की चारों तरफ आलोचना हुई थी। वहीं आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए पुलिस को ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि भाजपा के एक बैठक के विरोध में हरियाणा के करनाल की ओर से किसानों के एक समूह पर राज्य पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के बाद 10 लोग घायल हो गए, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।